सामने दिया करो, क्या उसमें छिपाना है। बच्चे आ गए हो तो कंफर्म करें। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ, ये हमारा आज का एप्लीकेशन है। इधर रख दो इस तरफ से। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ, ठीक है। गुड इवनिंग। तो दिखाई ना पड़ रहा तो बताइएगा जो मैंने लिखा है। विजिबल है आप लोगों को? चलिए, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? गॉस लॉ का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। बताऊँगा इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का मतलब था नंबर ऑफ लाइंस, फीड लाइंस, और सिंबॉलिकली इसी को हम लोगों ने बोला था फाई ई, ठीक है? तो कभी कभी यहाँ क्लोज वर्ड ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पे सरफेस लिख देते हैं, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। तो सारी चीज़ें बताऊँगा अभी हम, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें आपको बता देंगे। सो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर नंबर ऑफ लाइंस, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको अप्लाई करेंगे किस चीज़ के लिए? कि फॉर ए गिवन चार्ज, चार्ज गिवन होगा, फॉर ए गिवन चार्ज फॉर अ टेक्निकली सिलेक्टेड सरफेस, ठीक है? यानी एक सरफेस हम लोग अपनी तरफ से चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो चार्ज दिया होगा, सरफेस सेलेक्ट करेंगे, एंड ई कैन बी कैलकुलेटेड, ई कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहले तो समझना आज क्या करने जा रहे हैं। गॉस का स्टेटमेंट जो हमको पता है, उस गॉस के स्टेटमेंट से हम लोग ये काम करने वाले हैं, फॉर अ गिवन चार्ज एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो सरफेस हम लोग खुद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? सरफेस को हम खुद डिसाइड करेंगे, ई हमें कैलकुलेट करना, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो लिख लो, गॉस थ्योरम इज टू बी यूज्ड, गॉसियस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड या टू कैलकुलेट ई, गॉसियस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ, इतने केसेस में हम लोग यूज़ करेंगे, पॉइंट चार्ज ये पहला केस होगा, दूसरा स्फेरिकल चार्ज, ठीक है? तीसरा लाइन चार्ज, चौथा, तो लाइन में थोड़ा शर्त है,
लाइन में लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है, और लॉन्ग के साथ साथ स्ट्रेट भी है, लॉन्ग बट स्ट्रेट वायर। तो गौर ये करना है आपको कि जहाँ हम लोग गॉस की थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं, सो गॉस थ्योरम हम जहाँ भी यूज़ करेंगे, पॉइंट चार्ज सिमेट्रिकल होता है, ना उसकी कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होता है, यानी पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में शुरू होता है, अपने आप में ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद स्फेरिकल चार्ज, यानी एक स्फीयर है, उस स्फीयर में भी हमें कोई शुरुआत और अंत नहीं मिल सकता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं मिल सकता, स्फीयर अपने आप में जहाँ शुरू करेगा वहीं ख़त्म करेगा। लाइन चार्ज ज़रूर जो स्पेशल है, अगर छोटी सी लाइन ले लेंगे हम ऐसी, तो इस लाइन में क्या होगा कि एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, तो इसके लिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यही लाइन इनफाइनाइट हो जाए और इधर भी इनफाइनाइट हो जाए, यानी जिसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट ना मिल पाए हमको, उस केस में हमें गॉस थ्योरम यूज़फुल रहेगी। अभी हम सब रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों, ठीक। देन फोर्थ केस किसके लिए लेंगे हम लोग, सिलिंड्रिकल चार्ज, सिलिंड्रिकल चार्ज, फिर ब्रैकेट में क्या है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, ये शर्त है। लॉन्ग मतलब फिर से इनफाइनाइट, तो लॉन्ग एंड स्ट्रेट। तो ध्यान से अगर देखोगे, पॉइंट पॉइंट को बड़ा कर देते हैं तो स्फीयर बन जाता है, तो यानी पॉइंट और स्फीयर एक ही कहानी होगी, इसलिए इन दो जगहों पे यूज़ कर रहे हैं। फिर लाइन बड़ी, और लाइन को थोड़ा सा थिक कर देंगे, वायर है पतला सा, उसको थिक कर दोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, इसका मतलब इनकी और इनकी एक कहानी होगी। और पांचवा जो होगा वो क्या है, लार्ज प्लेन, लार्ज हो और प्लेन हो, शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज, इन जगहों पे हम लोग गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। किस लिए यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम पहले से ही कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो जो पहले से सीखा है वो कूलम्स लॉ है, ये यस कर दीजिए इसको, तो जो पहले से ही सीखा है हमने, उस वाले में क्या होने वाला है, जो पहले से ही सीखा है हमने उस चीज़ में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उस प्रोसेस को आसान कर देंगे। तो चलो ज़रा काम करते हैं, इन पांच केसेस में, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, लिख लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कैलकुलेशन ऑफ ई डॉट डी एस, द कैलकुलेशन ऑफ ई डॉट डी एस, कैलकुलेशन ऑफ ई डॉट डी एस बिकम्स ईजियर, दीपक जी से बात करते रहो ना, ई डॉट डी एस बिकम्स ईजियर इफ, ये वाला कैलकुलेशन आसान कब होगा, इफ ई एंड डी एस आर पैरेलल, E एंड डी एस आर पैरेलल। उस केस में क्या होगा कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो E डॉट डी एस को हम लोग क्या लिख देते हैं, ई डी एस, यानी वेक्टर ख़त्म हो गया। E डॉट डी एस में ई डी एस लिख सकते हैं अगर E और डी एस दोनों पैरेलल हैं, और अगर दोनों पैरेलल हैं E डॉट डी एस आ गया तो वेक्टर का साइन ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद ट्राई टू आइडेंटिफाई, बताऊँगा सारी बातें, Try to identify a surface so that every point of it E becomes uniform. अभी सब सिखाऊंगा, केवल तुम्हारे दिमाग में बिठा दे रहा हूँ। क्या ध्यान देना हमको, हम लोगों को गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए E dot ds बराबर Q by epsilon naught पे फोकस करना है। हमको Q दिया जाएगा, चार्ज हमको दिया जाएगा, इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चंस में गिवन होगी। हमको ये वाला सॉल्व करना है हर बार, E निकालने के लिए।
सो ई डॉट डी एस को सॉल्व करना ये निकालने के लिए, तो हम लोग क्या पसंद करेंगे कि पहली पसंद तो ये होगी कि कुछ ऐसा करें ई डॉट डी एस बिकम्स, ई डॉट डी एस बिकम्स ईजियर इफ़ ई एंड डी एस आर पैरेलल। उस केस में ई डॉट डी एस क्या बन जाएगा, ई डी एस, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। और अगर थीटा हम लोग जीरो डिग्री ले लेते हैं, यानी ए और बी को पैरेलल मान लेते हैं, सो ए डॉट बी की जगह पर हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, ए बी। ये वही वाली बात है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आसान हो जाएगा, कब, अगर वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक, ये बात हमें अपने दिमाग में बिठानी है कि अगर वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये बात आसान हो जाएगी और वेक्टर ख़त्म होकर स्केलर रह जाएगा। एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि भैया तो ये कर लें, अब ई डॉट डी एस बदल के ई डी एस हो गया, उसमें भी एक हम अपने पसंद की चीज़ ढूंढेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी सरफेस, यानी ये जो डी एस है वो सरफेस है, पूरी सरफेस पे ई ना बदले, और अगर ई नहीं बदलता तो ये ई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। यानी ये वाला इजी करने के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने इसको इजी करने के लिए ई और डी एस को पैरेलल किया, इनको इजी करने के लिए ई और डी एस को पैरेलल लिया। ये वाला इजी हो इसलिए ई और डी एस पैरेलल, और इसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाए आसानी से, इसके लिए क्या मान लिया हमने, इसके लिए ऐसा दिमाग लगाएंगे कि ई हर जगह पे यूनिफॉर्म हो। अभी मैं सारी बातें सिखाने वाला हूँ। एक चॉइस तो ये हो गई, तो ये देखना फर्स्ट चॉइस, ये पहली चॉइस हम रखेंगे कि भाई आसान कैलकुलेशन के लिए ऐसा करें। दूसरा सेकेंड चॉइस क्या है भाई, दूसरा काम क्या करेंगे, हमको पता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री निकल आए तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, ज़ीरो। यानी ए डॉट बी सॉल्व होकर के क्या रह जाएगा, ज़ीरो। यानी अगला आसान काम क्या कर सकते हैं, पहली चॉइस तो ये है, और दूसरी चॉइस क्या है कि दूसरी चॉइस है कि ऐसा कुछ किया जाए कि ई और डी एस एक दूसरे से क्या हो जाएँ, परपेंडिकुलर। सो फॉर ई परपेंडिकुलर टू डी एस, ई डॉट डी एस बिकम्स ज़ीरो, ये लिख लेना। फिर उसे बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या है, गॉस थ्योरम यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे अभी पूरा मेथड बताएंगे, लेकिन उस मेथड में ई डॉट डी एस सॉल्व करने में दो बातें हमारी मदद कर सकती हैं, कौन कौन सी, जब ये और ये पैरेलल हों तो वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, दूसरी बात जब ये और ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये इंटीग्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो हर जगह ये तो पसंद कर नहीं सकते कि इंटीग्रेशन ही ख़त्म हो जाए, जब इंटीग्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो काम करने का फ़ायदा नहीं रहेगा, तो कहीं ख़त्म हो जाए और कहीं पैरेलल होके सॉल्व हो जाए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। पहला एप्लीकेशन है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम, ये हमारा पहला काम है आज का। तो मैं क्या करूँगा आपको स्टेप, पहले भी हमने देखा है कि बच्चे क्या गलतियाँ कर जाते हैं, तो पहला है फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये रिज़ल्ट तो हमको पहले से ही पता है, ऐसा नहीं कि पहली बार रिज़ल्ट जानेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे, ब्रैकेट लिख दे रहे हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि लोकेट द चार्ज जिसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों ने एक फील्ड ले ली, यहाँ पे चार्ज ले लिया क्यों, इस चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी है। फिर सेकेंड पॉइंट, तो लोकेट द चार्ज, या कभी कभी हम लिखेंगे आइडेंटिफाई द चार्ज। पहले तो चार्ज पहचानो, ठीक, दिस इज स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप हो गया कि आप अपना चार्ज पहचान लीजिए, तो चार्ज पहचान लिया हमने, स्टेप वन हो गया। सेकेंड क्या करना है, एम पहचानते हैं, सो वी नीड टू फाइंड और कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट ई
ड्यू टू दिस चार्ज ई ड्यू टू दिस चार्ज एट अ पॉइंट पी, कहाँ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक, तो हमको इस पॉइंट चार्ज की वजह से ई निकालना है। किसी ने पूछा ई कहाँ निकालना है, तो हमने कहा इससे आर डिस्टेंस दूर निकालना है, ये हमको इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है। तो देखो ये पॉइंट चार्ज मैं फिर से बना दे रहा हूँ कि ये रहा पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे ई निकालना है। अब कोई भी पूछेगा भाई आर कहाँ, तो आर कहाँ है यानी ये जो लोकेट कर रहे हैं, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज कहाँ एट ए पॉइंट पी, कहाँ है वो पॉइंट पी विच इज़ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो विच इज़ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, इस चार्ज से आर डिस्टेंस कोई बनाओ, तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी बनाएं। तो आप कहोगे ये पॉइंट पी इधर भी तो हो सकता है, ये पॉइंट पी इधर भी तो हो सकता है, ये पॉइंट पी इधर भी हो सकता है और ये पॉइंट थ्री डायमेंशनल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पी को हम अगर लोकेट करेंगे तो वो पॉइंट पी कहाँ होगा। तो सेकेंड स्टेप जो है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज क्यू। सो सेकेंड स्टेप है लोकेट द पॉइंट, लोकेट द पॉइंट यानी हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो जहाँ फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट लोकेट करो। तो जो पॉइंट लोकेट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, तो देखो ध्यान से, जो पॉइंट का लोकेशन होगा वो स्फीयर होगा, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वो एक आर रेडियस का स्फीयर होगा, जो सरफेस होगी वो आर रेडियस की स्फीयर होगी। फिर से बताता हूँ, हमसे कहा गया कि पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने पूछा कि भाई आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस यहाँ पे लोकेट करना है। अभी आर क्या हो सकता है, ये पूरा सर्कल बना सकता है ऐसे एक, लेकिन 3D है, इधर भी एक सर्कल बना सकता है, इधर भी एक सर्कल बना सकता है, तो ऐसे ना जाने कितने सर्कल बन सकते हैं जो वहाँ से आर डिस्टेंस पे होंगे। तो आप कहोगे सर्कल नहीं, थ्री डायमेंशनल सरफेस होगी। इस पॉइंट चार्ज को अगर हम सेंटर मान लें तो वो आर डिस्टेंस जहाँ पे फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, वो आर डिस्टेंस इस सरफेस के ऊपर कहीं भी लाई करेगा जिसका शेप अपने आप में स्फेरिकल है। दरअसल ये स्फेरिकल सरफेस जो है, इसी सरफेस का एक दूसरा नाम रखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यानी कोई पूछे व्हाट इज गॉसियन सरफेस, गॉस की सरफेस कौन सी है, तो आपको बड़ी सिंपल है, जिस चार्ज की फील्ड निकालनी है, जहाँ निकालनी है उस जगह को थ्री डायमेंशनल स्पेस में पूरा इमेजिन करो, सोचो, जो भी सरफेस निकल के आएगी उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और वो सरफेस आर जो है वो हम लोग लोकेट करने में ही समझ जाएंगे कि आर 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 डिस्टेंस सब जगह लेंगे तो उसका शेप केवल एक स्फीयर के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं, इसलिए सरफेस हमें सेलेक्ट करनी है, हमें चूज़ करनी है सरफेस कि भाई इस जगह से आर डिस्टेंस पे अगर हमको कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो जो सबसे सिंपल सरफेस है वो एक स्फीयर आ गई। ठीक है, अब तीसरा स्टेप, तो पहला स्टेप क्या है, चार्ज को लोकेट करो, दूसरा स्टेप क्या है, पॉइंट को लोकेट करो। पॉइंट की लोकेशन में एक सरफेस बन जाएगी, चार्ज की लोकेशन में जैसा चार्ज होगा वो चीज़ रहेगी, पॉइंट है तो पॉइंट, स्फीयर है तो स्फीयर, जैसा चार्ज होगा वो तो अपने एक बार में लोकेट हो गया। तो लोकेशन ऑफ चार्ज कोई खास बात नहीं सवाल पढ़ने के लिए। फिर लोकेशन ऑफ पॉइंट जहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करनी है वहीं पे आपको इमेजिनेशन बढ़ानी है और एक सुंदर सी अच्छी सिंपल सी सरफेस को ढूंढ निकालना है। उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे क्योंकि वो सरफेस हमारी काम की सरफेस बनने जा रही है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई द चार्ज, लोकेट द चार्ज। दूसरा स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफाई द गॉसियन सरफेस, आइडेंटिफाई द गॉसियन सरफेस बाय लोकेटिंग द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड। थर्ड स्टेप, स्टेप थ्री कैलकुलेट, वेरी इंटरेस्टिंग, कैलकुलेट ई डॉट डी एस,
E dot ds at each, या at कह लो या around बोलते हैं, around, at एक point होता है, around एक surface होती है. तो calculate E dot ds at लिखना था, बस उसके छोटा सा area लेंगे, at या around each point of the Gaussian surface. ठीक, तो देखना, सबसे पहले लिख ले रहे हैं, कोई पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया P, तो इसके चारों तरफ एक छोटी सी सरफेस बना दी, पहले भी किया हमने. तो देखो लिख रहा हूँ मैं, कंसिडर अ स्मॉल, कोई पूछे स्मॉल क्यों लेते हैं, तो स्मॉल लेने पे वो प्लेन नज़र आएगा, छोटा सा टुकड़ा. कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ एरिया डी एस, ठीक, ऑफ एरिया डी एस लिख दिया. तो डी एस यानी छोटे से एरिया का, इस एरिया को डी एस लिख दिया. तो डी एस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा हमने कंसिडर किया, ठीक है. तो डी एस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया पॉइंट पी पे, जहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करनी है. आप कहोगे पॉइंट पी तो सर एक नहीं, बहुत जगह हो सकता. तो हम कहेंगे हाँ, बहुत जगह हो सकता, अभी एक ही जगह काम किया, किसी एक पसंद की जगह पे डी एस ले लिया छोटा सा टुकड़ा, और वहाँ पे हम लोग ई डॉट डी एस कैलकुलेट कर रहे हैं. अब आगे लिखेंगे, देखो, वी नो दैट, यानी सिखा चुका हूँ, वी नो दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, यानी हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, ई वेक्टर इज अलोंग आर कैप. हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए ई वेक्टर किधर होता है, तो ई वेक्टर इधर होता है आर कैप, ये ई वेक्टर है आर कैप, आर के डायरेक्शन में, ठीक है. ई वेक्टर इज अलोंग आर कैप और परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रीति करना का तो क्लास ले रहा है. ई वेक्टर इज अलोंग आर कैप और परपेंडिकुलर टू, ई वेक्टर इज अलोंग आर कैप और परपेंडिकुलर टू, तो ई वेक्टर आर कैप के अलोंग है, और दूसरी बात है इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस एट पॉइंट पी. दो काम एक साथ है, ई वेक्टर किधर है, तो जहाँ भी देख लो, मान लो यहाँ देख लें, आपके इधर ज़्यादा साफ दिख रहा हो, तो इस जगह पे पॉइंट चार्ज की वजह से ई वेक्टर बाहर की तरफ होगा, सिखाया आपको ई बाहर होगा. लेकिन अगर इसी में छोटा सा टुकड़ा डी एस का ले लेंगे, तो डी एस भी बाहर की तरह होगा, यानी हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे तो ई वेक्टर डी एस वेक्टर दोनों बाहर होंगे. और दोनों को बोलने का तरीका क्या है, वी नो दैट फॉर एनी पॉइंट चार्ज ई इज अलोंग आर कैप, इसी डायरेक्शन को दरअसल हम लोग आर कैप भी कहते हैं. तो यही आर कैप है, यही सरफेस के परपेंडिकुलर है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. दरअसल सब चीज़ें एक ही हैं, सब एक ही चीज़ का नाम है. तो हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो जिधर ई होगा उधर ही आर कैप होगा, उधर ही डी एस होगा. तो वी नो दैट फॉर ए पॉइंट चार्ज ई इज अलोंग आर कैप और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट पी. दैट मीन्स, यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब एक बार फिर से लिख देता हूँ, ई इज पैरेलल टू डी एस एंड बोथ आर अलोंग आर कैप, यानी रेडियली आउटवर्ड. मैंने आखिरी लाइन फिर तुम्हारे लिए लिखा दिया, यानी पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से जो स्फीयर है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे. ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे. और पैरेलल आ जाने का फ़ायदा क्या होगा, पैरेलल आने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जगह बच रही कि नहीं बच रही, बच रही है, कि ई डॉट डी एस इज नथिंग बट ई डी एस, लिख लो. सो ई डॉट डी एस इज नथिंग बट ई डी एस, यही हमको अचीव करना होता है. यानी जब पैरेलल हो जाएगा तो इसके हर पॉइंट पे ई डॉट डी एस क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे ई डॉट डी एस जो है वो ई डी एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो लिख लेते हैं, इतना कॉपी कर लो.
तो थोड़ा पहली बार लिख रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा दे दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं और पूरा आपको लिखा भी रहे हैं। हमको क्या करना है, पहले चार्ज रखा, फिर उसके चारों तरफ आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है। तो एक मनगढ़ंत सबसे सिंपल सरफेस बनाते हैं, मनगढ़ंत सबसे सिंपल सरफेस बनाते हैं। यहाँ पर सबसे सिंपल सरफेस क्लियर दिख रही है कि आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर ही हो सकता है और कुछ खास बात नहीं। अब आप चाहें तो हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, रट सकते हैं कि फॉर अ पॉइंट चार्ज ऑन एन स्फेरिकल सरफेस, फॉर अ पॉइंट चार्ज ऑन ए स्फेरिकल सरफेस ई एंड डी एस आर ऑलवेज पैरेलल, यानी स्फेरिकल सरफेस पे ई और डी एस हमेशा पैरेलल ही होंगे, ठीक है। सो ई डॉट डी एस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ई डॉट डी एस कन्वर्ट हो जाएगा ई इंटू डी एस में। फिर स्टेप फोर, स्टेप थ्री तो हो गया, स्टेप फोर और कर देते हैं, क्या है स्टेप फोर, नाउ कैलकुलेट दिस ई डॉट डी एस, यानी जो ई डी एस आ गया है, नाउ कैलकुलेट दिस ई डॉट डी एस फॉर द क्लोज्ड सरफेस, फॉर द क्लोज्ड सरफेस, जो ई डॉट डी एस निकाला है आपने, ये तो एक पॉइंट पे निकाला है, अब इसको पूरी सरफेस पे निकालेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ अगला स्टेप, अगला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे तो मैं ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस ये कहाँ पे था, एट अ पॉइंट, ये जो चीज़ लिखी है किसी पॉइंट पे है, बट अगर इंटीग्रेशन डाल दिया ठीक है और यहाँ पे लिख दिया क्लोज, तो ये फॉर द होल सरफेस, और कैसी सरफेस, फॉर द होल क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, पूरी सरफेस पे लिखना है। फिर हमने दोबारा लिखा कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फिर से निकालना है, और हमारी सरफेस क्या है, हमारी सरफेस है स्फीयर। हमें स्फीयर उतना अच्छा नहीं लगेगा कहना, बल्कि उसका दूसरा नाम ज़्यादा ज़रूरी है, क्या, गॉसियन सरफेस। यानी हम लोग ई डॉट डी एस कहाँ निकालेंगे, हम लोग ई डॉट डी एस को एक पॉइंट पे निकाल करके सारे पॉइंट पे निकाल निकाल के ऐड करना है, तो पूरी सरफेस पे निकालना है। फिर हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि जो ई डॉट डी एस है ये बदल करके क्या आ गया है, ये ई डॉट डी एस बदल करके रह गया है ई डी एस, ठीक है, कहाँ पे, फॉर एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, फॉर एनी पॉइंट ऑन ए स्फेरिकल सरफेस, और हमें पूरे स्फीयर पे लेना है, इसलिए क्लोज लगा दिया। तो अब ये जो चीज़ लिखी मैंने, ये यहाँ पे लिखा फॉर एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल सरफेस। अब लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या है कि ऑन अ स्फीयर, ऑन अ स्फीयर ई इज यूनिफॉर्म, ऑन अ स्फीयर इस चार्ज से स्फीयर के हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए डायरेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन ई का जो मैग्नीट्यूड है इज यूनिफॉर्म एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। तो हर पॉइंट पे ई जो है वो कैसा है, सारे पॉइंट के लिए ई जो है वो यूनिफॉर्म है, सारे पॉइंट्स के लिए अगर ई यूनिफॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन को बाहर ले जाएंगे ई को, और अंदर क्या रह जाएगा, डी एस, ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस, फॉर द होल गॉसियन सरफेस हमको ई बाहर भेज देना और अंदर क्या रह गया, डी एस। यानी इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आप गॉसियन सरफेस का शेप पहचान रहे हैं, तो हमने कहा शेप तो पहचान रहे हैं, क्या शेप है, बोले स्फीयर है, तो उस स्फीयर का एरिया बताओ, सरफेस एरिया क्या होगा, तो आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो गया, फोर पाई आर स्क्वायर। तो यानी ई डॉट डी एस सिंपल कैलकुलेशन करते करते हम कहाँ पहुँच गए, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो मैं भी एक बार बोल देता हूँ और फिर उसके बाद दो या तीन लाइंस लिख देता हूँ आपको स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए और एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने इतनी सारी बातें लिखाई हैं, इतनी सारी बातें बोली हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट को पकड़ने और समझने की बात करें तो तीन स्टेप, मतलब तीन लाइंस हैं, मैं एक बारी फिर से बोलने जा रहा हूँ, फिर से लिखने जा रहा हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लो फिर लिख देते हैं। तो आप कॉपी करते जाओ और मुझे सुनते जाओ कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी तो सबसे पहले कहीं दुनिया में पॉइंट चार्ज को रखा, पहला स्टेप हो गया। उस पॉइंट चार्ज के
r डिस्टेंस पे फील्ड पूछी गई है, तो हमको खुद को भी समझना और दूसरों को भी समझाना है कि नाउ वी हैव टू लोकेट दैट पॉइंट r एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड. सो स्टेप नंबर टू इज सेलेक्ट, इलेक्ट और सपोज और कंसिडर और इमेजिन अ सरफेस एट विच द पॉइंट p कैन बी लोकेटेड सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन्स at the same distance. So for a point, the other point which remains at the same distance, the surface becomes a spherical surface. अगर टू डायमेंशनल होता तो एक ऐसा पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट हमेशा बना रहे तो उस सर्फेस का नाम सर्कल होता है. लेकिन अगर थ्री डायमेंशन है कि एक पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट को ढूंढना है कहाँ रह सकता है, तो वह स्फीयर हो गया. जो सर्फेस हम आर डिस्टेंस पे इमेजिन करते हैं इस सर्फेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं. तो आप जहाँ मर्जी वहाँ बना के देख लो, हर जगह पे ई वेक्टर बाहर है, हर जगह पे डीएस वेक्टर भी बाहर है, तो ई और डीएस दोनों हर जगह पे क्या हो गए, आर कैप के अलोंग हैं, पैरेलल है. इसलिए किसी भी पॉइंट पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्टेप रट सा जाना चाहिए. एट एनी पॉइंट ऑन दी गॉसियन सरफेस ई डॉट डीएस बिकम्स ई डीएस. लेकिन कब, जब एक पॉइंट चार्ज हो और गॉसियन सरफेस एक स्फीयर हो. सो ई डॉट डीएस बिकम्स ई डीएस. दूसरी चीज़, E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सेम फॉर एवरी पॉइंट है. मीडियम पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग में मीडियम भी एक ही जैसा है. इसका मतलब एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट. सो वी कैन टेक इट आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन. सो ये ई से बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अंदर सिर्फ क्या रह गया, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देने पर जो सर्फेस है उसका एरिया. डी एस मतलब छोटे छोटे टुकड़े, और इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ दो, और क्लोज का मतलब पूरे स्फीयर के सारे टुकड़ों को जोड़ दो. तो पूरे स्फीयर के सारे टुकड़ों को जोड़ देने पे स्फीयर ही बनेगा, और उस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr². तो ये हमारा लास्ट स्टेप नंबर 4 जो भी था पूरा हो गया, कि ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करना था. और पॉइंट चार्ज के लिए ई डॉट डी एस क्या आ गया, सिंपली फॉर ए पॉइंट चार्ज लकली ई डॉट डी एस बिकम्स ई इंटू 4πr². एंड नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5. स्टेप 5, ऐसा कोई स्टेप लिखे तो नहीं, मैंने अपनी तरफ से बना दिए हैं. तो स्टेप 5 क्या है, नाउ यूज गॉसियस थ्योरम. क्या है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, बराबर क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. इसी के लिए सारी हमने मेहनत की थी. तो अब देखो, अब तो रट जाना चाहिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी स्फीयर को, किसी पॉइंट चार्ज के लिए कोई जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी लिख देते हैं. तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फीयर होती है, और स्फीयर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ई डॉट डी एस की वैल्यू सॉल्व होकर के जो निकाली हम लोगों ने, जैसे पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में ये क्या बन गया, ई डी एस. मैं एक बार फिर वो सारे स्टेप दिखा दे रहा हूँ. अभी भी ये क्लोज ही है, अभी भी गॉसियन सरफेस लिखा जा रहा है, ठीक है. और ये बराबर उस सरफेस के अंदर, ढूंढो जरा इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज छिपा हुआ है, इस सरफेस के अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड है वो तो क्यू ही है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. फिर एक स्टेप कि ये ई डॉट डी एस में ई क्या रहता है, ई तो कॉन्स्टेंट रहता है, तो अंदर डी एस हो गया, बराबर क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और अभी भी बात पता चली कि जो गॉसियन सरफेस है ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर के लिए डी एस कितना आ जाएगा, 4πr² ई की जगह पे ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ई क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू बाई r² जो फार्मूला हमने याद किया है वो डराइव कर लिया हमने, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई r². ये तो सबसे आसान डेरिवेशन है जिसमें काम कुछ नहीं, केवल हमको सारी बातें जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी बोलना पड़ा, काफ़ी लिखाना पड़ा. आप स्कूल यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में बस एरो मत बनाना, ये एरो जो बनाए मैंने ये एरो मत बनाना, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 मत लिखना, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है. तो कहीं ना कहीं टीचर्स इस बात को ऑब्जेक्ट करते हैं कि वो सोचते हैं किसी और ने लिखाया, किसी और ने पढ़ाया. आप यहीं पे केवल और केवल पॉइंट बोलते जाओगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट वी नीड टू लोकेट द चार्ज, सेकंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द गॉसियन सरफेस एट विच फील्ड इज रिक्वायर्ड. हियर इन दिस केस चार्ज इज पॉइंट एंड द मोस्ट सिमेट्रिकल सरफेस अराउंड दिस पॉइंट चार्ज विल बी अ स्फीयर.
बस ये लाइन लिखने के बाद फिर आपने लिखा कि फॉर ए स्फीयर एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर ई एंड डी एस आर ऑलवेज पैरेलल, सो ई डॉट डी एस बिकम्स ई डी एस, यानी सब जगह केवल आपको अंग्रेजी लिखते जाना है. सिंस द गॉसियन सरफेस इज स्फीयर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन कैन ईडी बी सॉल्व, कितना 4πr² वैल्यूज आ जाएंगे. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो एक बार ज़रा कंफर्म करो सारे बच्चे इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कंफर्म करिए बेटा ये डेरिवेशन आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि आगे मैं थोड़ा सा चीज़ें शॉर्ट में लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था बहुत आसान है, केवल पहली बार मैंने ज़्यादा बातें बोल दी, ज़्यादा लिखा दी हैं, आगे तो सिर्फ हमको की कोड वर्ड पहचानने और हमारा काम पूरा हो जाएगा. ज़रा यार फीडबैक दो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, अभी लिखे गए हैं. ठीक है, कौन कौन बोल रहा है? अनुराग, अनुराग हैं और कभी अमल कभी अनुराग, अच्छा. और उसके बाद सुयश हैं, अपर्णा अरुण हैं, ठीक है, इसी बहाने अटेंडेंस भी हो जाएगी. फिर उसके बाद हेमंत हैं और किसको किसको समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, अभिनव उमराव हैं, अमल हैं, अच्छा अमल और अनुराग दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं. चलिए दीपिका, प्रीतिका, सॉरी दीपिका नहीं, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ मैं समझ गया, सुयश मतलब आयुषी द्विवेदी, ठीक है. अब आगे हम लोग नेक्स्ट हैं, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल. तो यहाँ बार बार ऐसे यार हम सिम्बॉलिक लिखेंगे, ई यानी फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. शेल क्या चीज़ है? बहुत पतला सा स्फीयर है, यानी उसकी थिकनेस नहीं है. तो अब देखना, पूरी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए उतना वक्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपनी आदत नहीं ख़राब करनी है. साक्षी भट्ट भी है, चलो भाई, तुम्हें अपनी आदत नहीं ख़राब करनी है और चीज़ों को प्रॉपरली लिखना है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख ले रहे हैं, हियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल. अच्छा, खास बात क्या है? हमारा काम हो गया गॉस थ्योरम का, अब हम सिर्फ की पॉइंट्स लिखेंगे, हमारा मेन काम तो हो गया. ठीक है, सर्वक त्रिवेदी भी हैं, ठीक है, काफ़ी लोग हैं. तो देखो ये मैंने क्या किया कि ये बनाया तुम्हारे लिए चार्ज बोल्ड में, ये पता नहीं दूर से देखने में स्फीयर नहीं लग रहा, ख़राब लग रहा देखने में. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ तो मैं स्फीयर दिखा नहीं सकता, यहाँ तो मैं दिखाऊंगा आपको सर्कल ही, बट आपको अपने दिमाग से वो स्फीयर ही समझना है. तो ये स्फीयर है और इसके बाहर बाहर यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज रखा गया है. यानी अगर हम अच्छा डायग्राम बनाते हैं तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है कि इस इक्वी डिस्टेंट चार्ज को आपको रखना चाहिए. तो चार्ज यहाँ फैला हुआ है, ठीक है, तो चार्ज की लोकेशन इस बार ही हो गई. तो हमको बताना पड़ेगा की पॉइंट अपनी बात करने के लिए कि सपोज सेंटर ऑफ द चार्ज इज ओ एंड इट्स रेडियस इज आर. तो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है? कि गिवन है स्फेरिकल है और उसकी रेडियस है कितनी? आर. रेडियस आर है. चार्ज कितना गिवन है? चार्ज क्यू गिवन है. और कैसे फैला हुआ है? तो लिख दिया भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये सब चीज़ें हमें दी रखी हैं, ठीक है. और क्या क्या गिवन है? गिवन है कि वी हैव टू फाइंड और कैलकुलेट ई एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम, ये सब देना पड़ेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज. सेंटर ऑफ चार्ज, तो ये सेंटर ऑफ चार्ज भी लिख सकता है वो, या फिर सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कहाँ से? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आर डिस्टेंस पे. कोई पूछेगा भाई आर कहाँ से? तो हमने कहा आर इसके सेंटर से. तो याद करो स्टेप नंबर टू क्या होता था, पहले चार्ज बिठा दिया, फिर चार्ज के बाद स्टेप नंबर टू जहाँ फील्ड कैलकुलेट करनी है उसको ठीक से आइडेंटिफाई करना. तो हम क्या कहेंगे यार, यहाँ से आर डिस्टेंस तो यहाँ भी हो सकती है और आर डिस्टेंस तो यहाँ भी हो सकती है. तो यानी दो केसेस हो जाएंगे,
वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, तो ये आर स्पेशल है दो केसेस, पहला केस आर लेस देन आर और दूसरा केस क्या होगा आर ग्रेटर देन आर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, जो लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी बढ़िया बढ़िया बातें जानते हैं, वो कहेंगे सर दो नहीं तीन केसेस, आर ग्रेटर देन आर यानी बाहर क्या होगा और आर लेस देन आर यानी अंदर क्या होगा, तो एक और कंडीशन है आर बराबर आर यानी ऑन द सर्फेस। तो पहले हम दो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आउटसाइड और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इनसाइड। तो हम कहेंगे यार इस स्फीयर की वजह से दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर एंड द सेकंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। फिर हम देखेंगे ये दोनों फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि डिसकनेक्टेड हैं। अगर ये फील्ड एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हैं तो कुछ और कमेंट होगा, कनेक्टेड हैं तो कुछ और कमेंट होगा। तो देखना, अब आर मैंने ये देखो यहाँ बनाया, ये वाला आर हो गया, ठीक, ये आर लिखा मैंने, छोटा आर है, लिखा आर ही जाएगा। दूसरा मेरे पास दो कलर के पेन हैं तो मैं दूसरा ये बनाए दे रहा हूँ आर, ये देखो जरा, ये दूसरा आर है, ये दूसरा आर है जी। अब इसको भी हम आर ही बोलेंगे, ये देखो इसको भी हमने आर ही बोल दिया। तो आप लोग सोचो, मैं बोल दे रहा हूँ, जो नीले पेन से लिखा है आर वो इनसाइड वाला है और जो लाल पेन से लिखा है आर वो कौन सा हो गया, वो आउटसाइड वाला है। यानी दो केसेस हैं, एक बार इनसाइड और एक बार आउटसाइड। ये हमने दो दो स्फीयर क्यों बनाए, दो दो स्फीयर क्यों बनाए, तो हम कहेंगे अपने आप से सवाल पूछो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे सब तरफ देखें, सब तरफ देखें तो एक पॉइंट मिलेगा कि एक सरफेस मिलेगी, तो जवाब आएगा एक सरफेस मिलेगी। दरअसल उसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, और अगर याद हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ गॉसियन सरफेस दो होंगी, एक अंदर के लिए और दूसरी बाहर के लिए, गॉसियन सरफेस वन गॉसियन सरफेस टू। तो ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, इस डायग्राम से कितने बच्चे कन्विंस्ड हैं उनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रियांशी है, ठीक है अनुराग जी, पापा का नंबर होगा, ठीक। तो ज़रा ये देख लो, ये कन्फर्म करो आप बच्चों कि ये जो सारी डायग्राम कहानी बनाई, ये जो लिखा मैंने, कितने बच्चे समझ रहे हैं। हमें सब दिया है, पेपर में स्मॉल आर दिया होगा, कैपिटल क्यू दिया होगा, कैपिटल आर दिया होगा, हमको खाली ई निकालना है। कंफर्म करो आप कितने लोग ये सारी कहानी समझ रहे हैं। समझ आ रहा हो तो हाँ लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। हमको चार्ज दिया, चार्ज दिखा दिया, सारे बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। हमको चार्ज दिया गया तो हमने चार्ज बता दिया, ठीक है। फिर हमसे कहा गया आर डिस्टेंस पे फील्ड बताओ, तो हमने कहा फील्ड तो हम बाद में बताएंगे, पहले आर डिस्टेंस तो लोकेट कर लें। जब आर डिस्टेंस को लोकेट करने चले तो पता चला जी सिमेट्री का ध्यान देने पे जो लोकेशन है, जो एनवलप है, जो सरफेस है, वो अपने आप में फिर से एक स्फीयर बन गई। और जब फिर से एक स्फीयर बन गई तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया। अब हमको केवल और केवल डायलॉगबाजी करनी है, क्या करना है तो लिख देते हैं। तो केस नंबर वन, केस वन क्या है, फॉर इनसाइड ऑफ द स्फीयर, फॉर इनसाइड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, यानी कि क्या लिखेंगे आर लेस देन आर यूजिंग, देखो बस एक एक लाइन का काम है, यूजिंग गॉसियस थ्योरम, अंदर वाले पॉइंट के लिए गॉस थ्योरम को चलो यूज करते हैं। क्या स्टेटमेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन, ये तुम्हारी बुक्स में बना हो तो बनाना, नहीं तो यहाँ लिख देना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर दिस क्लोज रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, और यहाँ पे विच इज स्फीयर, विच इज स्फेरिकल, या विच इज स्फीयर हियर, विच इज स्फेरिकल हियर, ठीक है। सो विच इज स्फेरिकल हियर, तो क्लोज सरफेस हमको ढूंढनी है, आर के लिख दिया हमने, तो आर लेस देन आर पे क्या लिखा हमने, सो क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस बराबर क्या लिखेंगे अगली लाइन में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉपी मार दिया हमने। फिर एक अपने आप लिख देंगे क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, सॉल्व वो करके क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या लिखोगे फिर, कि हम पहले से समझ गए एट एवरी पॉइंट इज पैरेलल टू डी एस,
सो ई डॉट डी एस बिकम सी डी एस एंड ई इज़ यूनिफॉर्म, तो अगली लाइन में ई को भी बाहर लिए चले जाएंगे, यानी वो पूरी कहानी में बताऊंगा नहीं, केवल मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां से ई भी बाहर चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा अगली लाइन में कि ई बाहर चला गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस बराबर क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमें देखना है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट लाइन ई तो ई रहेगा, और जो सरफेस हमने बनाई है आर रेडियस की छोटी सी, उसका छोटी वाली रेडियस का एरिया क्या आएगा, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर, इस सरफेस नीली सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज आ गया 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर भी 0 आ गया, यानी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि उसके अंदर जो गॉसियन सरफेस है, जो पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब होती है जब हम जहाँ पे खड़े हैं, जो सरफेस हमने बनाई है उसके अंदर झांकने पे कोई चार्ज नज़र आए, बट यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो जब चार्ज है नहीं तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो फिर से काम वही है, सबसे पहले गॉस थ्योरम यूज़ करनी है, उस गॉस थ्योरम के हर सिंबल का मीनिंग बताना है, क्लोज्ड इनक्लोज्ड है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस पता चली हमको, स्फीयर है, तो ये सारी कहानी सॉल्व होते होते वहीं आ गई, ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, लेकिन अंदर कोई चार्ज था नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। आप लोग जरा बच्चों कन्फर्म करो एक बार मुझे फिर से, क्या ये वाला डेरिवेशन अपील कर रहा है आपको, आर इनसाइड की वैल्यू 0 हो गई, आर इन साइड ई 0 हो गया, आर इन साइड यानी इन साइड आर के लिए ई 0 हो गया, आर इन साइड नहीं, इन साइड आर के लिए ई 0 हो गया, ये केस 1 पूरा हो गया, नोट कर लिया होगा, चलो वेरी गुड। और बता दो यार, है तो आसान ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग आउटसाइड, मेरे पहले तुम लोग खुद करना शुरू कर दो, आर आउटसाइड वाला थोड़ा अच्छा लगेगा, आर आउटसाइड, तो दो केसेस हैं, फॉर आर ग्रेटर देन आर, यानी हम लोग इसको बोलते हैं आउटसाइड पॉइंट, स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। फिर से क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग यहाँ पे पिछली बार तो नहीं लिखा था, इस बार लिख दे रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारी गॉसियन सरफेस कौन सी है, गॉसियन सरफेस 1 है कि गॉसियन सरफेस 2 है, तो देखो हमने बनाया गॉसियन सरफेस 2 बाहर वाली है, जो हमने रेड कलर से लिखा है, स्कूल में नहीं लिखोगे रेड कलर से, लेकिन मैंने लिख दिया कि इस बार की गॉसियन सरफेस कौन सी है, जो रेड कलर में है बाहर की तरफ है। तो चलो अब क्या लिखेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये थोड़ा स्पेशल चीज़ है, तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको स्फीयर तो अभी तक हमने पढ़ाया नहीं तुमको, हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो पॉइंट चार्ज सिखाया, स्फीयर तो सिखाया भी नहीं है, लेकिन अब हम एक यहाँ पे स्पेशल काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, ये बड़ा स्टेटमेंट है, काम की बात है, कि हमारे पास अगर एक स्फेरिकल चार्ज है और इसके हर पॉइंट से अगर एक मैं लाइन ऐसे निकालूं कि ये लाइन से एक दूसरे को काटे ना, इस लाइन से एक दूसरे को कट करती नज़र ना आए, तो आप जब ध्यान से इन लाइन्स को खींचोगे तो ये सारी लाइन्स कहाँ से निकलती नज़र आएंगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सारी लाइन्स इसके सेंटर से निकल के आ रही हैं, यानी अंदर तो फील्ड हो नहीं सकती, तो अंदर ये लाइंस नहीं बनाएंगे, लेकिन जब इन लाइंस को बाहर निकाल के अंदर डॉट डॉट ले जाएंगे ऐसे करके, तो सारी लाइंस कहाँ से मिलती नज़र आ रही हैं, सारी लाइंस सेंटर से निकलती नज़र आ रही, तो फिर आप वही बात कहोगे कि हम जब आउटसाइड पॉइंट के किसी भी जगह पे जा रहे होंगे तो दरअसल उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, और उस जगह पे जो छोटा सा एरिया डीएस आएगा वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो एक लाइन लिख देना है, फॉर स्फेरिकल चार्ज और फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर अ स्फेरिकल चार्ज और फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो फॉर आउटसाइड पॉइंट क्या लिखा हमने ब्रैकेट में, यही लिख दे रहा हूँ, फॉर आउटसाइड पॉइंट इट सीम्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट इट सीम्स लाइन्स आर कमिंग
from center of the sphere, center of the spherical charge. So again, बस सारी कहानी. At each point, E becomes parallel to ds, so E dot ds becomes EDS. बस तो हमारी फिर वही बात लागू हो गई कि हम चाहे जिस पॉइंट पे हैं घबराने की बात नहीं, हर पॉइंट पे E और ds फिर से क्या हो गए, पैरेलल हो गए. अगर हर पॉइंट पे E और ds पैरेलल हो गए तो हमको इस स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ करने की फ्रीडम वैसी ही मिल गई. गॉस थ्योरम का रिजल्ट हूबहू वैसा ही आ गया. अब क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसको दोबारा लिख दूं तो E डॉट ds आसानी से बदल के क्या हो गया, गॉसियन सरफेस 2 के अराउंड EDS हो गया. और Q बाई एप्सिलॉन नॉट को अभी फ़िलहाल Q इनक्लोज ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. और ये भी सीखा हमने कि इसके हर पॉइंट पे E कैसा होगा, हर पॉइंट पे E यूनिफॉर्म होगा. हर पॉइंट पे E यूनिफॉर्म होगा तो चलो E को बाहर ले जाते हैं, क्या बचेगा, EDS फॉर गॉसियन सरफेस 2 और बराबर Q. तो ज़रा देखो इस लाल सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है, तो इस लाल सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा गया था क्यू, वो पूरा का पूरा चार्ज दिख रहा है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो E बराबर पूरे के अंदर चार्ज क्यू दिख रहा है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए क्यू को छोटा क्यू लिख देते हैं हर बार, हमने जो गिवन चार्ज क्यू लिखा था उसको भी छोटा ही कर देना, तो सो दैट हर जगह एक ही फॉर्मूला हमारा काम आ जाए. तो E ds बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब लास्ट लाइन बताओ ds की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे ds की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ds के प्लेस पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर. तो मैं फिर से फाइनली इसको मिटा दे रहा हूँ, तो क्या आ गया बताओ, ये लाइन दोबारा लिख दे रहा हूँ. सो दरअसल E डॉट ds निकालना था हमको गॉसियन सरफेस 2 के लिए. गॉसियन सरफेस 2 के लिए स्फेरिकल शेप होने के नाते E डॉट ds बदल के क्या बन गया, EDS गॉसियन सरफेस 2 पे पूरे घूमने पे. और Q इनसाइड को Q इनसाइड अभी लिखा है या Q इनक्लोज, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. फिर हमने कहा ये E बाहर चला जाएगा, तो जब E बाहर चला जाएगा तो गॉसियन सरफेस 2 की रेडियस भी गॉसियन सरफेस 2 की रेडियस पे लिखने को छोटा r ही लिखी जाएगी, भले बड़ी हो लेकिन सिंबल उसका छोटा r ही होगा. बराबर उस रेड वाली सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर छिपा हुआ है, यानी पूरा का पूरा चार्ज q छिपा हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो E आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया. ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर. तो जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर मैं एक बार उनको फिर से नोट कर लो आप लोग, ये दरअसल इसमें थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वही काम बार बार करना है, धीरे धीरे तुम सीख भी जाओगे और तुम्हें याद भी हो जाएगा, ज़्यादा हम बोलेंगे तो पक भी जाओगे, यानी खुद ही समझ जाओगे कि हर बार वो रिज़ल्ट घूम फिर के आना है. ज़रा मुझे रिज़ल्ट एक बार पूरा फिर से कंक्लूड करने दो, तो मैं की रिज़ल्ट लिखता हूँ, जहाँ सारे बच्चे अपने को तो रिज़ल्ट ही याद रखने हैं, सो रिज़ल्ट चलो लिखते हैं, ज़रा देखें क्या क्या है. पहला, अगर पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज से क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, ई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो निकाली है पॉइंट चार्ज जो पहला पार्ट किया. दूसरा पार्ट जो अभी हम लोगों ने किया कि पॉइंट चार्ज की जगह पे स्फीयर ले लिया हमने, पॉइंट चार्ज की जगह हमारे पास चार्ज ही में, चार्ज के शेप जो है चार्ज का वही एक स्फीयर है, इस चार्ज के चारों तरफ चार्ज क्यू भरा हुआ है ऐसे सरफेस पे, और ये चार्ज टोटल कितना है, टोटल चार्ज क्यू है. तो ज़रा देखो आप लोग क्या रिजल्ट्स आए हैं. सो रिजल्ट्स ये आए हैं कि अंदर वाले पॉइंट पे, ई इनसाइड अंदर किसी भी पॉइंट पे जब रिजल्ट निकाला है तो ई कितना आ गया है, ज़ीरो. तो मैं लिख देता हूँ ई बराबर ज़ीरो, कहाँ, आर जब आर से छोटा है, यानी हमने नाम दिया इसको इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पे ई कितना आया है, ज़ीरो. लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट पे ई कितना आया है, नज़र देखना, सेम रिजल्ट आया है जो ऊपर लिखा है,
वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जब आर ग्रेटर देन आर यानी आउटसाइड पे निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी बाहर वाला रिजल्ट बाई चांस ऐसा आया है जैसा ऐसा लगता है कि अगर इस पॉइंट पी को जो यहाँ से आर डिस्टेंस दूर है, अगर ये चार्ज स्फीयर के सर पे ना दिया जाता, बाहर ना दे करके सेंटर पे दिया जाता, यानी जैसे सेम रिजल्ट आ गया है कि इतनी सेंटर से इतनी दूर पे अगर चार्ज रखा जाता तो रिजल्ट यही आ जाता। तो यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर चार्ज को ही स्फीयर के ऊपर रखा गया है, अगर चार्ज को खुद स्फीयर के ऊपर रखा गया है तो उसकी फील्ड दो तरीके की आती है। कैसी? उसकी फील्ड दो तरीके की आती है, अंदर फील्ड होती ही नहीं है, फील्ड ज़ीरो होती है, और बाहर जो फील्ड होती है वो बड़ी अजीब सी होती है। बाहर जो फील्ड होती है उसको ये नहीं लगता है कि चार्ज बाहर रखा हुआ है, उसका फॉर्मूला इतना सुंदर है कि उसको ये लगता है कि चार्ज अगर सेंटर पे रखा जाता तो जो फॉर्मूला आता वही फॉर्मूला इसके चार्ज के बाहर रखे जाने पे भी आ रहा है। इसलिए अंग्रेजी ध्यान से सुन लेना, क्या अंग्रेजी ध्यान से सुननी है कि इफ़ अ चार्ज इज़ गिवन टू अ स्फेरिकल शेल देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज़ फाउंड टू बी ज़ीरो, कोई फील्ड होती नहीं सिंस देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड, बट फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स इन सच अ वे दैट द फील्ड रिजल्ट इज सेम इफ द होल चार्ज वर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी बाहर के पॉइंट पर इस चार्ज का रिजल्ट कुछ वैसा ही है जैसा ये अपनी सरफेस को भूल जाए और पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे ही लाके रख दे। मैथमेटिक्स से बाई चांस ऐसा रिजल्ट आया है, ठीक है? तो याद कैसे करें, अंदर की फील्ड ज़ीरो और बाहर की फील्ड, बोले बाहर की फील्ड ऐसा रिजल्ट बना लो कि पूरे चार्ज को सेंटर पे रख देते तो क्या आता, तो पूरे चार्ज को सेंटर पर रख दो यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो रिजल्ट आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी मैथमेटिक्स ने आपको एक बोलने का तरीका दे दिया है, आपको उसी को याद रखना है, ठीक है? तो बस आज हम इतना ही रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर की वजह से बता दी हमने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से बता दी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ हमने जो रिलेशन है उसको बोल के बता दिया। क्या रिलेशन है तो मैं एक ग्राफ के माध्यम से फिर बताया दे रहा हूँ, एक बार फाइनली और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज है जिसमें बाहरी बाहर चार्ज है, ये देखो ये बाहरी बाहर चार्ज है हमारे पास, ठीक है? ये चार्ज है, इसकी रेडियस कितनी है जी? कैपिटल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है। अच्छा, और इस पे चार्ज कितना दिया है? बोले चार्ज इस पे क्यू दिया हुआ है। तो अब मैं देखो तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से एक नीचे लाइन ला रहा हूँ, डॉटेड लाइन ऐसे डार्क, और ऐसे एक लाइन यहाँ खींच दे रहा हूँ, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है? और देखो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ले आ रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये एक्स बराबर आर हो गया। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो सरफेस पे खड़ा हूँ रेडियस के बराबर, और इस पॉइंट के अंदर हूँ तो मैं इनसाइड हूँ, तो ये इनसाइड पॉइंट हैं और ये आउटसाइड पॉइंट हैं। तो ज़रा देखना कैसा रिजल्ट आ रहा है, बोले देखो इसके अंदर कहीं भी फील्ड निकालोगे तो इसके अंदर कहीं भी फील्ड क्या आ रही है, ज़ीरो। ऐसे दिखाएंगे, इसके अंदर हर जगह पे फील्ड क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे टच नहीं करता है, ये फंक्शन की मजबूरी होती है। अच्छा, बोले इसके बाहर कहीं फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा, तो बोले इसके बाहर फील्ड का फॉर्मूला तो आ रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ई का रिजल्ट है, ई का रिजल्ट कहाँ के लिए, बोले आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो अगर हम आर ग्रेटर देन आर वाले में आर बराबर आर लिख दें, यानी इसी में आर की जगह पे आर डाल दें, तो सरफेस के तुरंत बाद, सरफेस नहीं बोलेंगे, तुरंत बाद आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर में बराबर आर का मतलब है आर प्लस थोड़ा सा तुरंत बाद। तो देखो तुरंत बाद अगर निकालेंगे तो ई सरफेस के करीब कितना आएगा, सरफेस के करीब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दो, क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके दूर में क्या आएगा, उसके दूर में ये आएगा। तो देखना जब तक हम सेंटर से आर डिस्टेंस तक पहुँचे नहीं थे ई ज़ीरो था, और जैसे ही रेडियस को टच किया एकदम फील्ड जंप कर गई, इतनी फील्ड हो गई, ये आ गई, ये कुछ भी नंबर है मान लो एक्स है, तो यहाँ से एकदम से जंप होता है ये ऐसे, इसी को मैथमेटिक्स में डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अंदर फील्ड ज़ीरो और सरफेस पे पहुँचते एकदम से फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई,
अब इसके बाद इस फॉर्मूले से देखो कि जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी और बहुत दूर जा करके ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ऐसे ग्राफ बनाया जाता है ऐसे, तो कभी कभी ऐसे ग्राफ बनाते हैं। जंप को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और ये वैल्यू कितनी है जो इतनी एकदम से जंप कर गई है, तो ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है। ये सरफेस पे है, ई एट सरफेस, और उसके बाद क्या है कम होती चली जा रही है। तो समझाने की कोशिश की हमने, देखो सबसे पहले गॉस थ्योरम को लिखने के जो की स्टेप्स हैं उनसे मेहनत करो, उन पर प्रैक्टिस करो, उनको सीखो, वो एक बार दिमाग में बैठ गए तो काम बहुत आसान है। ठीक है, तो आज तो एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमने बताया था कि ई और डी एस अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो सॉल्व होकर के ई डी एस बचेगा, और वही आज बच रहा है। कल एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें ई डी एस परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो कट करके ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें आ जाएंगी, अच्छे से मेहनत कर लेना इस पर। ठीक, तो ये तुम्हारा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। कल हम एक आध सवाल है मतलब सॉलिड स्फीयर कराना था, लेकिन वो तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। सो कल आप लोग सारे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, कल हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। उसी में एक दो चीज़ें और इसकी हैं, वो भी हम बता देंगे, जिसको शीट ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो शीट ऑफ चार्ज, लाइन चार्ज, ये दोनों चीज़ें कल हम बताएँगे भी, और एक दो सवाल भी करा सकते हैं। कल हम इतनी कहानी लिखाने में वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताएँगे थोड़ा सा। चलो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि हम लोगों के चैनल को थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करिए। क्या क्या करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट तो तुम करते ही रहते हो, ठीक है।